बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे, हैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह जी बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। मार्केट पहुँचे और मार्केट आगे से बंद, ये हमारे साथ होता ही रहता है। इस मार्केट को लेके हमेशा पता है कि 5 बजे खुलती है, फिर भी हमें ना 4:30 का धोखा हो जाता है और हम बाहर घर से निकल आते हैं। और आज हो रही थी बारिश और होनी भी थी बहुत ही तेज़, उन्होंने बताया हुआ था। और हमने सोचा बारिश से पहले पहले हो आते हैं ताकि जो है ना सामान ले आए, क्योंकि आगे तो छुट्टियां आ रही हैं बच्चों को, तो फिर बच्चों ने तो बहुत तक कर, और बच्चों को मार्केट लेके जाना 95 का काटा ना, ये बात भी छोटी है, इसको इतनी नहीं है पता चलता, तो इसलिए इसको ले आते हैं। और कोई ऑप्शन भी नहीं, इसको कहाँ छोड़े, बच्चे तो स्कूल चले जाते हैं तो पीछे से बाई जोन है ना, वो इधर उधर चली जाती हैं। तो बस मार्केट अभी खोली नहीं थी, तो हमने सोचा मार्केट के पीछे ही ना एक पार्क है तो वहाँ थोड़ी देर बच्चे खेल लेते हैं। यहाँ पे न्यू झूले लगे हैं, इन्होंने लगाए हैं। पहले तो सिर्फ पार्क होता था, घास लगी होती थी, दरख्त होते थे, बस और कुछ भी नहीं, ग्रीनरी होती थी। आराम से आगे बैठो, गप्पे मारो, बस आंखों को सुकून दो। और यहाँ पे मुझे बड़ा ही प्यारा दरख्त नज़र आया जिसके पिंक फ्लावर्स थे। तो मैंने ना एक कोई देखा भी था एक रेसिपी इन फ्लावर्स की भी, चाइना की एक यूट्यूबर है कुकिंग को लेके, तो उनकी मैंने एक रेसिपी देखी थी इस फ्लावर्स से, वो ना बनाती हैं बड़ा कुछ। तो मैं सोच रही थी कि क्या हम भी बना सकते हैं इसलिए मैं फ्लावर्स को गौर से घूर घूर के देख रही थी। तो फिर हम जो है ना पार्क का जो है ना पूरा टूर किया, नाया फातिमा ने और रायान ने, हम लोग जो है ना पार्क के अंदर जो है ना घूम रहे थे, ऐसे ही देख रहे थे कौन कौन से झूले हैं। हाँ, नाया फातिमा लेने तो कोई भी नहीं थे खास, लेकिन फिर भी हम देख रहे थे। तो यहाँ पर हम जो है ना सीसा वाली एरिया में आए, साथ में हॉर्स वाले एरिया में आए। यहाँ नाया फातिमा को सीसा पर बैठना था, एक साइड पर मैं जो है ना वो नाया का मेरा हाथ जो है ना हो नाया के साथ खेल रहा था, और नाया फातिमा जो है ना बैठी हुई थी। फिर रायान को हमने बुलाया नाया फातिमा के साथ झूले लेने के लिए, दोनों एक साथ जो है ना एक साइज़ के और एक ही वज़न के, तो सही जो है ना बैलेंस हो गया। तो दोनों ने काफ़ी देर जो है ना झूले लिए, और जब माई मार्केट खुली तो फिर हम यहाँ से गए। जल्दी खुल गई थी मार्केट भी, और हम बस ज़ाहिर टाइम पास करने के लिए यहाँ थोड़ी देर के लिए आए थे। बच्चे स्विंग पे बैठे, ये स्विंग बड़ी मज़े की होती है, आराम से बच्चे बैठ जाते हैं और जो ले लो तेज़ तेज़ भी गिरने का डर नहीं होता, स्विंग टूटेगी तो फिर डिगेंगे बस तो बस हम लोग जो है ना यहाँ से ही थोड़ी देर हमारा टाइम पास हुआ, बच्चों ने फुल खूब इंजॉय किया। और मामाज मेरी और मामा और रायान की मामाज बैठ के गप्पे मार रही थी, और मेरा फिर इन फूलों की तरफ ध्यान गया कि क्या इनको हम पका सकते हैं कैसा टेस्ट होगा इसका। तो बहुत ही प्यारे जो है ना ये कलर लग रहा था मुझे फ्लावर्स का, तो बस मैं इसको आपको भी दिखा रही थी कि देखिए कितने प्यारे फ्लावर्स हैं। तो कहाँ लगे हुए, ऐसे मैंने कभी नहीं देखा कि दरख्त के साथ जो है ना फ्लावर लगे हों बिल्कुल ही, तो बहुत ही खूबसूरत थे। फिर जी हमारी मार्केट खुली और हमने पार्क को कहा अलविदा, बच्चे भी जो है भाग भाग के चेजी लेने जा रहे हैं, हम फौरन मार्केट के अंदर गए। उससे बहुत ही प्यारी जो है ना, हमेशा मुझे नई चीज़ें जो है ना यहाँ पर मिलती हैं डेकोरेशन के जो है ना लेके, तो यहाँ पे मुझे बहुत ही प्यारी ये ट्रे दिखी, इतनी को कमाल लग रही थी ना, और ये भी मुझे बहुत ही अच्छी लगी। ये डेकोरेटिव मतलब ना भी बंदा कोई सामान रखे ना, किचन में डेकोरेशन के लिए ही बहुत अच्छी लग रही थी ये दोनों ट्रे मुझे। तो बस मेरा दिल इस पे आ गया था, और मामा कहती चुप करके आगे चल मैं जब भी आती हूँ मार्केट में बर्तन बड़ा देखती हूँ, तो मामा जो है ना मुझे कहती है बस बड़े बर्तन बेकार, बथेरे बर्तन है, बथेरे बर्तन है। यहाँ पे ना ये प्लेट मुझे बड़ी कमाल की लगी, ये भी डेकोरेट कर सकते हैं किचन के अंदर, बड़ा अच्छा लगेगी। और भी बड़ी सारी प्लेट्स थी, बहुत ही कलरफुल और बहुत ही प्यारी सी स्टाइलिश बनी हुई थी, और मुझे कलरफुल प्लेट्स वैसे ही बड़ी अच्छी लगती हैं। तो मैं अब जो है ना बस इनकी तरफ ही रुकी हुई थी, और मामा जो है ना दूसरा घर का सामान ले रही थी। मामा कहती हाँ हो तेरा तो खा नहीं, तू तो प्लेट नहीं वेख और फिर मैं आई जो है ना इस तरफ कैंडल्स की तरफ, बहुत ही जो है ना ये खुशबूदार कैंडल्स होती हैं, बहुत ही मज़ेदार खुशबू आती है, इनके पास से गुजरो तो आना स्मेल प्यारी प्यारी सी शुरू हो जाती है। और बहुत ही प्यारे जो है ना यहाँ पे लगे हुए थे डेकोरेशन पीस,
क्लॉक्स लगे हुए थे और ये पोर्ट लगे हुए थे आर्टिफिशियल, बहुत ही प्यारा, ये हैंग करने के लिए दरवाजे के आगे हैंग कर सकते हो। तो बस यहाँ पे जोन से ना मुझे काफ़ी चीज़ें अच्छी लग रही थी, लेकिन मेरी मम्मी जोन सी है ना वो ज़बरदस्ती मुझे जोन से यहाँ से लेके गई, यहाँ नाहिया पाजमा भी जो है ना अटक गई है। मुझे जोन से ना ओरिजिनल लग रहा था, पर मैंने इसको चेक करके देखा हाथ से कि आर्टिफिशियल है कि ओरिजिनल है, बट आर्टिफिशियल था। बहुत सारे यहाँ पे पोट लगे हुए थे फ्लावर्स के, इतने को प्यारे थे, इतने को माल छोटे छोटे पिद्दे पिद्दे से भी लगे हुए थे, जिनके मार्बल के आई थिंक नीचे के पोट थे और ऊपर अंदर आर्टिफिशियल एक फ्लावर लगा हुआ था, क्यूट सा, बहुत ही प्यारे थे ये भी। और मेरे ख्याल से ये ना कापे के ऊपर जो है ना सजाने के लिए बहुत ही अच्छे लगे हैं। फिर जो है ना फाइनली मुझे सोया सॉस दिखा, पाकिस्तान में ये छोटी सी बोतली जो है ना 150-200 की मिल जाती है, यहाँ पे इतनी एक्सपेंसिव मुझे मिली ना, सही बात है कि मेरा दिल कर रहा था कि मैं ना ही लूँ लेकिन फिर जो है ना मैंने ले ही लिया, क्योंकि मुझे चाहिए था बहुत ही इमरजेंसी सोया सॉस, और इसका टेस्ट भी अच्छा होता है, इस वजह से फिर मुझे लेना पड़ा एक चिली सॉस या एक सोया सॉस या और घर का छोटा बड़ा सामान, बच्चों की चीज़ें लीं और हम जो है निकले बाहर। तो बारिश हो गई स्टार्ट, जिसका हमें डर था बारिश ने स्टार्ट होना था, बट बारिश जल्दी स्टार्ट हो गई बल्कि हम लेट हो गए कह सकते हैं। तो हम थोड़ी देर जो है दफ्तर के नीचे रुके कि शायद बारिश जो है ना वो थोड़ी रुक जाए तो फिर जो है ना हम आगे जाएंगे, लेकिन बारिश ठीक है, कहती ही मैं आज ही पहना है, तुम जितने मर्जी जाओ जो मर्जी करो। फिर हमने क्या किया कि हम जो है ना थोड़ी देर वेट किया दरख्त के नीचे, बारिश जो है इतना वो हल्की हल्की सी हुई और हम जो है ना घर के लिए भागे भीगते भगाते लेकिन ये भी इसका भी अपना मज़ा है वैसे बारिश में भीगने का भी, लेकिन ये अगर सर्दियाँ तो इसलिए डर लगता है, बच्चों को लेके खुद का तो बंदा खैर कर ही लेता है जो करना है। तो बस ये आज का व्लॉग हम यहाँ पे एंड करते हैं घर जाते जाते। आई होप आपने भी वीडियो एंजॉय की हो, बच्चों ने भी खेलना एंजॉय किया, अगर किया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।